ना कुछ में एंटिंग बा ना पेंटिंग बा लेके कहां जाता किंग आवता पानी कहां जाता कुछ अगर बता दी कि किंग काबर सामने लोग का सब गोड़ भीजे के डरे जोन की जूता हाथ में लेके यहां गाड़ी बनी की कहीं गिर ना जाए जूता फिसल ना जाए हाथ गोड़ ना टूट जाए। इस सुअर के जोन की बा खोभाड़ हो चुकल बा स्कूल पानी लगा रहे तो फिर बच्चा सब का पढ़ाई कैसे बच्चा सब नहीं आता है सब विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता तो देखिए मीटिंग वाला ये भवन है यहां बना हुआ है जो रूम उसमें भी सैलाब बह रहा है बारिश का सैलाब बह रहा है। एक साल के पढ़ाई जोन लेके पढ़ता आगे कक्षा कुकिंग पढ़ाई कर रहा है 6 महीने तक पानी लगा रहा है 6 महीने तक पानी कंटिन्यू पानी कोई इसमें प्रशासन देखने वाला नहीं है ब्लॉक का कोई आदमी देखने वाला नहीं है क्या वीडियो का सीओ का किसी को दिखता नहीं है क्या यहाँ पे लाखों करोड़ों में लगा रुपया जैसे कि लाखों लगे होंगे अगर तो भवन तैयार हुआ होगा तो लाखों रुपया जो कि सरकार का वो चला गया हवा में। नमस्कार हम राजा बोलेंगे देखत अपन भोजपुरी चैनल झलको चंपारण अगर अभी तक हमारा चैनल का लोग सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन जरूर दबाई। आज हमने पहुंचल बाई सन मोतिहारी जिला के सुगौली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय रामगढ़वा बालक के नाम से स्कूल बाटे वरी गवर्नमेंट स्कूल बा जमुना में ये रामगढ़वा पंचायत के बच्चा सब पढ़े खातिर आवला लेकिन आज स्कूल के स्थिति काफी खराब हो चुकल बाटे। अभी हम स्कूल के ग्राउंड में बने ग्राउंड में इतना ज्यादा पानी के सैलाब बह रहा बा कि यहाँ बच्चा सबके पढ़ाई नहीं हो सकत। इस सुअर के जोन की बा खोभाड़ हो चुकल बा स्कूल और स्कूल जोन की बा सड़क से लगभग 3-4 फीट नीचे बाटे जहाँ पर पानी लगल बा और यहाँ जो सामने अपने देख रहा बनी बड़ा सा एक इमारत बनल बाटे प्रखंड संसाधन केंद्र जौना में BRC मीटिंग चलेला लेकिन यहाँ के जूता हाथ में लेके गोड़ भीजे के डरे जौन की जूता हाथ में लेके यहाँ गाड़ी बनी कि कहीं गिर ना जाए जूता फिसल ना जाए हाथ गोड़ ना टूट जाए। हमारा नजर में 4 साल से हम देखा था नहीं यहाँ के गवर्नमेंट के ना रिपेयरिंग होला स्कूल पहलका बात दूसर का बात यहाँ जो लड़का पढ़े किंग आई रहो तक जे देखा था हमने विधायक MP MLA जे बा तक बता दो किंग में पढ़ाई हुआ किंग शिक्षक लोग आई यार किंग ऑफिस चली ना कुछ में एंटिंग बा ना पेंटिंग में लेकर कहाँ जाता किंग आवता पानी कहाँ जाता कुछ अगर बता दी कि किंग काबर सामने लोग का सब बरसात के दिन में बहुत ज्यादा पानी लगल हद से ज्यादा मैं पढ़ाई किंग हुई एक साल के पढ़ाई जो लड़का पढ़ता आगे कक्षा वो किंग पढ़ाई कर रहा है 6 महीने तक पानी लगा रहा है 6 महीने तक पानी कंटिन्यू पानी कोई इसमें प्रशासन देखने वाला नहीं है ब्लॉक का कोई आदमी देखने वाला नहीं है क्या वीडियो का सीओ का किसी को दिखता नहीं है क्या यहाँ पे। फिर 6 महीने जब स्कूल चालू हुई तो हमें कुछ संडे बा कुछ पर्व बा 2 अक्टूबर बा तो छठ बा तो दिवाली बा यहाँ लेकर अपन भविष्य बना रहा बिहार के ऐसा चल रहा है बिल्कुल। रामगढ़वा प्रखंड में लगभग 135 स्कूल है जिस स्कूल का BRC मीटिंग यहाँ शिक्षकों का कार्य जो होता है वो यहीं से होता है जो भी यहाँ आते हैं इस मतलब कचरा जो है कचरा को पार करके आते हैं और भीतर चलेंगे भीतर की तरफ कि वहाँ पे कैसे अभी बरसात के दिन में सैलाब बह रहा है। एक कक्ष प्रखंड संसाधन से भी है यहाँ पे देखिए कितना पानी लगा हुआ है कैसे सर कार्य कर रहे हैं और कितना दिक्कत हो रहा है पहले बात करेंगे। ये जो बना हुआ है कब का बना हुआ है सर? लगभग 10-15 साल पहले का बना हुआ है। 10-15 साल पहले जी। अब ये पानी जो बाहर लग रहा है कितना दिन में से लगता है? ये तो मतलब साल में लगभग 5-6 महीने तक लगा रहता है। 6 महीना तक मान के चलिए कि अगर पानी लगा रहा है तो फिर बच्चा सब का पढ़ाई कैसे? बच्चा सब नहीं आता है सब विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता। अच्छा अभी आप यहाँ बैठे हैं यहाँ पानी लगा हुआ है इसका कोई सरकार की तरफ से या विधानसभा क्षेत्र की जी कोई नहीं कुछ नहीं हम लोग ऐसा ही जब जरूरत रहता है कार्यालय में पानी से गुजराते हैं और जाते हैं बैठे रहते हैं। तो देखिए मीटिंग वाला ये भवन है यहाँ बना हुआ है जो रूम उसमें भी सैलाब बह रहा है बारिश का सैलाब बह रहा है तो कैसे मीटिंग होता होगा क्या होता होगा समझ में नहीं आता। यहाँ बच्चा सबका पढ़ाई लगभग 6 महीना डिस्टर्ब रहता है लेकिन उस 6 महीना में लगभग 1 महीना से ज्यादा बच्चा सबका कहीं ना कहीं किसी पर्व के लिए छुट्टी हो जाता होगा तो कहीं ना कहीं संडे होता होगा उसका छुट्टी हो जाता होगा तो मात्र 5 महीना टाइम बच रहा है। उस 5 महीना में यहाँ के विद्यार्थी लोग क्या तैयारी करते होंगे और किस तरह अपने कक्षा को आगे बढ़ाते होंगे ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ये सैलाब है और आगे अंगनाई है और अंगनाई के सामने भी जितना पानी लगा हुआ है देख सकते हैं आप सामने। तो ये हमारा चंपारण है जहाँ से अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है मोदी जी के तहत और स्वच्छ भारत अभियान का कितना ज्यादा और ये जो बना है 10 साल पहले बना है इसको तो किस तरह बनाया गया? असल में यह हाइट है उस समय BO जो थे जोगी ठाकुर तो यह जो मिडिल स्कूल चलता है तो इसका लेवल से था न उसी लेवल से यह भी बनवा दिए समझे कि नहीं। अगर उसका हाइट रहता तो इसका भी हाइट रहता लेकिन वह उसी को देख कर ही बनवा दिए। अच्छा ये बताइए सर कि हम मान के चलिए 5 भाई हैं तो 5 भाई में अगर हम 2 भाई अगर अनपढ़ हैं तो क्या 3 भाई को अनपढ़ ही बना के रखेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है तो वही ना गलती की जी। मतलब तो फिर इसका किस तरह होगा समाधान? आप लोग आते होंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बहुत ज्यादा कि हम लोग शिक्षक माने संघ से पैसा लेकर इसको हाइट किए थे नहीं तो इतना पानी हम लोग हेल कर आते थे। वहाँ मेन रोड है वहाँ भी देखे होंगे राबिश गिरा है वो हम ही लोग गिराए हैं हम लोग शिक्षक लोग मिलकर गिराए इसको कि इसमें कम से कम आने जाने का सुविधा हो लेकिन पानी का इसका निकास
पासे की तरफ नहीं है। जब इलेक्शन होता है तो वीडियो साहब आकर दमकल लगाते हैं तो इसमें इलेक्शन होता है। बच्चा सबका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन लाखों करोड़ों में लगा रुपया, जैसे कि लाखों लगे होंगे अगर तो भवन तैयार हुआ होगा, तो लाखों रुपया जो कि सरकार का वो चला गया हवा में। इससे कोई फायदा नहीं है, सरकार को कुछ फायदा नहीं हो सकता है। शायद यहाँ जो टीचर लोग आते हैं उन लोगों को भी शायद बहुत ज्यादा तकलीफें होते होंगे यहाँ इस सैलाब को पार करके आने में। उसमें बहुत सारे जो कि हैं कचरा में कीड़े हैं, जिस कीड़े से जो कि बीमारी उत्पन्न हो सकता है। किस सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं? लक्ष्मणवा प्राथमिक विद्यालय के। और यहाँ जो मीटिंग होता होता आते होंगे, कितना दिन पानी रहता है बाहर? ये लगता है 3 माह जो है बारिश का पानी यहाँ जल जमा होता है, उससे हम लोग को काफी असुविधा होती है। ये सड़क जो है जो निर्माण कार्य होता है ना, सड़क का निर्माण कार्य काफी ऊंचा हो गया है और इस परिसर में है 2-3 बार हम लोग देखे हुए कि मिट्टी का भराई हुआ, जिससे इसका नींव जो है नीचे हो गया। अब इसका जल जो है काफी स्तर से ऊंचा हो गया और यहाँ तक कि जल पहुंच गया है। हम लोग को आने में बाइक से ही आना पड़ता है, पैदल हम लोग नहीं आ सकते। अच्छा, एक बात बता सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ मीटिंग हो रहा है मान के चलिए, तो कितने संकुल के यहाँ टीचर लोग आते हैं? देखिए 135 विद्यालय की मासिक गोष्ठी जो होती है, उस मासिक गोष्ठी में यहाँ प्रत्येक विद्यालय के प्रधान आते हैं मीटिंग। और जो टीचर लोग पढ़ाते हैं सहायक लोग नहीं आते हैं? वो लोग अपने संकुल में मीटिंग करते हैं, प्रधान लोग का यहाँ मीटिंग होता है। 135 मतलब यहाँ मतलब आते हैं हेडमास्टर साहब लोग, 135 लोग आए। अगर वो 135 लोग अगर मिल करके अगर आवाज इस स्कूल के बारे में उठाएंगे तो कार्य हो सकता है कि नहीं? ये तो सर जी क्या अभियान का है, ये आवाज उठाने वाली बात नहीं ना, हम लोग कर्मी हैं जी। हम लोग आवाज थोड़ी उठाएंगे, हम लोग जो है वहाँ से डिमांड देंगे या जो भी है परिस्थिति आप भी दे रहे हैं। आप यहाँ आ पा रहे हैं, आप आते हैं या प्रधान अध्यापक लोग आते हैं तो पानी हिल के आते होंगे जाते होंगे, तो शायद इसके बारे में कुछ आवाज उठाया जाए जिससे इस कार्य को पूरा किया जाए, कि सड़क भी बन जाए, सड़क से आप लोग आए जाए ऊंचा करके। एक तो यहाँ पे आप लोग कैसे खामियाजा भुगतना ही पड़ता है कि पानी में आए, पानी में रहे, पानी में बैठे, पानी में उठे, मतलब 6 महीना तक असुविधा है ही। लेकिन रह गई बात की अभी तो पूरे बिहार में जल जमा है, तो तत्कालीन इसको हम लोग अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो पूरे बिहार में जल जमा है। 5-6 साल से ना लग रहा है इसमें? हाँ 5-6 साल से तो लग रहा है। तो बिहार जल जमाव में मिट्टीकरण हुआ तो कुछ कम हुआ, लेकिन अभी जो है तत्कालीन इसमें जल जमाव काफी हो गया है। मध्य विद्यालय रामगढ़वा बालक है और उसका अंगनाई है और हम लोग इसी रास्ते से आए हुए हैं इस पानी को हेल करके। देखिए कितने मतलब यहाँ मीटिंग चलता है, 135 स्कूलों के प्रधानाध्यापक आते हैं, हर एक महीना यहाँ पे तैयारी की जाती है और यहीं से जो कि है आगे के जितने स्कूल है वहाँ पे कार्य होता है। तो यहाँ आते हैं जाते हैं तो 6 महीना तक लगभग इस पानी के तकलीफे से तकलीफ जो है उसे ये लोग जूझते हैं। देखिए यहाँ इस स्कूल में पढ़ाई के जगह शायद यहाँ मास्टर लोग आते हैं, लेकिन इस सुअर का खोभाड़ बन गया, हम आपसे बता दिए। देखिए बात यह है कि मतलब वो बिल्डिंग बना ना तो उन पहले बन गया, ये बिल्डिंग बाद में बना है, तो बाद में बना है तो गलती ही किए हैं, वो थोड़े किए हैं जी। हमारी मांग यही है कि जो भी हमारे विधायक है MP MLA है ये इसको देखे और जल्द से जल्द इसका समाधान करे, क्योंकि बिहार के जो शिक्षा जो युवा हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उन पर बहुत असर पड़ रहा है। एक बना हुआ है बिल्डिंग नया ही दिखाई दे रहा है लेकिन ये पुराना वाला है, तो पुराने वाले समय में यहाँ पानी नहीं लगता होगा, लेकिन नया जो बना हुआ है देखिए अभी एक टीचर हैं जो आ रहे हैं सामने, ये भी टीचर हैं और शायद इनको इतना पानी हेल करके जाना पड़ रहा है और शायद कितने दिनों से जाते हैं। सर जी हैं तो सर जी से भी बात करेंगे। यहाँ BRC में देख रहे हैं क्या दुर्दशा है, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग यहाँ आते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं तभी यहाँ का दुर्दशा देख लिया जाए। काफी दिन से हम लोग पीड़ित है सर, काफी दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब इसका मतलब भविष्य उज्ज्वल होगा। साथ जब आता है तो काफी तकलीफें होती हैं और सामने देख ही रहे हैं क्या तकलीफें बताएंगे हम, लेकिन इस पे सरकार कहीं पर भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे ही हमारे चैनल सब लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।